मैंने क्या करा, अब इसके बाद एक लोगो ले लिया, लोगो नहीं दिख रहा, ये लोगो ले लेते हैं। इसको उठा के मैंने मास्टर पेज में जाके यहाँ रख दिया। इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो प्रॉपर्टी में ऑप्शन आ जाएगा ओपेसिटी का, कम कर। इसमें ना साइज कम ज्यादा करोगे तो फ्रेम बढ़ जाएगा, तो आपको कंट्रोल दबाना है और यहाँ पे ऑल्ट दबाना है। कंट्रोल ऑल्ट दबा के ड्रैग करोगे तब इसमें साइज कम ज्यादा होगा, ऑल्ट। ठीक है, या कंट्रोल और शिफ्ट भी दबा सकते हो। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट भी दबा सकते हो। अगर बीच में क्लिक कर दोगे तो ये मूव करेगा। इसी को उठा के मैंने ऑल्ट दबा के यहाँ रख दिया। हाँ क्या? हाँ हाँ पूर्वी, हाँ इसका है, भेज दो। ये आ गया, चेक करते हैं हम तो सब पे आ गया। ये आ गया समझ में। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि दूसरे पेज पे ना, जब पहला चैप्टर खत्म हो जाए तो दूसरा ऑरेंज कलर का हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी मास्टर को दोनों क्या रिमोट जाए ना, मेरे को रिमोट है, देखना है। अब मैं क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना है इसको। तो एक ही जगह बी मास्टर हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये वाला कलर आ गया। ठीक है, अब मैं हेलो इंडिया की जगह हेलो दिल्ली कर रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, अब इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा पेज पे, पर अब हम क्या करेंगे, जिस जिस पे अप्लाई करना ही है, तो लाइक मैंने बाकी सारों पे क्या करा, ये हेलो दिल्ली वाला अप्लाई कर दिया। राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई मास्टर पेजेस, और एक की जगह बी कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, देखो यहां तक तो ए वाले अप्लाई थे, यहां पे बी अप्लाई हो गए। ठीक है, अब चेक करो तो ये देखो, तो यहां से दूसरे पेज चालू हो गए। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में ये चीज। अब आते कंटेंट कैसे डालेंगे। कंटेंट डालने के लिए टाइप टूल लेना है, मेन पेज पे जाते हैं। अच्छा, एक किसी पेज से हटाना है आपको मास्टर पेज का, देखो आप इसे सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा के क्लिक कर दो तो सिलेक्ट हो जाएगा। ये डिलीट मार दिया,
कंट्रोल शिफ्ट दबाया, क्लिक किया, डिलीट मार दिया, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, डिलीट मार दिया, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, डिलीट मार दिया, हो गया। इससे नंबरिंग का दिक्कत नहीं है? नंबरिंग तो वही चलेगी हमारी, दो से स्टार्ट होगी। फिर अब आपने क्या करा, टाइप टू लिया और एक एरिया बना लिया। तो मैंने यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, इतनी जगह पे एक एरिया बना लेता हूँ ऐसे। यहाँ कॉलम वाइज कंटेंट चाहिए वो भी हो जाएगा, तो उसमें भी इतना ही ये सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैंने डमी कंटेंट डाल दिया, फिल प्लेस होल्डर टेक्स्ट लिखा रहा होगा, ठीक है। इसी कंटेंट को ना मैंने क्या करा, कॉपी कर लिया, अब कंट्रोल सी से कॉपी, और मैंने इसी में एंटर मार के कंट्रोल वी कर दिया, फिर से मैंने एंटर मार के कंट्रोल वी कर दिया, फिर से मैंने एंटर मार के कंट्रोल वी कर दिया, तो ये देखो ऐसे आ चुका। अब जब ये फिलअप हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस का बटन बन के आ जाएगा, आ गया। आपको ना प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है, करने के बाद आपको क्या करना है, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के ना यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना है इसके ऊपर, ठीक है। ऑल्ट और शिफ्ट दबा के ऐसे क्लिक कर देना है, तो इससे क्या होगा, जितना भी कंटेंट होगा अपने आप अलग अलग पेज पे सेट हो जाएगा। हम बस थोड़ा साइज सेट कर लेते अब। इसके फ्रेम को मैं थोड़ा छोटा कर दिया, इसके फ्रेम को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, इसके फ्रेम को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, इस पे क्लिक करके ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, बस हो गया, ये सारा सेट हो गया। हाँ क्या चाह रहे हो, टेक्स्ट की स्पेसिंग करने, अगर देखो इसकी टेक्स्ट की स्पेसिंग कम ज्यादा करनी है तो कंट्रोल ए दबाया, ऑल्ट दबा के डाउन की करोगे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आ गई स्पेसिंग, कंटेंट और बढ़ गया होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और ऑल शिफ्ट दबा के ऐसे क्लिक कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। आ गया सारा, समझ में आ गया। अब मुझे बीच में इमेज लगानी है, इमेज लगाने के लिए आप क्या करना, एक यहाँ से ये रेक्टेंगल फ्रेम ले लेना, ऐसे बना के छोड़ देना इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे यानी हम इमेज डाल देंगे, इमेज डालने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपको बस सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी दबा देना है, कंट्रोल डी शॉर्टकट है इमेज के लिए। आपने बस क्या करा, यहाँ पे जाके और ओपन कर दिया इसको, इमेज चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है। क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी कर देना है, कंट्रोल डी करके आपको जो भी इमेज पिक करनी है वो सेलेक्ट की, ओके कर दिया, पर क्या हुआ कंटेंट ढक गया। तो आप इस पर क्लिक करना इमेज के ऊपर, आप ना यहाँ पे ना प्रॉपर्टी में जाना और ना यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना जंप ऑब्जेक्ट, जैसे जंप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगी, ये राइट साइड पे आएगा, ये रहा जंप ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू दबा के देखते हैं। तो देखो अभी हमारा आउटपुट जो है ऐसा कुछ आ रहा है, जब जगह कम पड़ी होगी, जगह मैंने वो भरी तो ये बढ़ गया होगा। इसको मैं कॉपी करके ऑल्ट और शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप यहाँ पे कुछ एडिट करोगे, जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ एंटर मार दिया,
अपने आप नीचे कंटेंट भी एडजस्ट होता जा रहा होगा, कंटेंट भी मूव हो रहा है नीचे, ठीक है, सब आपस में जॉइंट है। तो उसके लिए फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा, उसको अलग बनाना पड़ेगा, ज्वाइंट होगा तो एक सारे करेगा ज्वाइंट, तो वो तो कर होगा ही ना, क्योंकि अगर वो चेंज होगा, अगर वो चेंज नहीं होगा तो कंटेंट तो ओवरलैप कर जाएगा ना, वो तो होगा ही, जब जगह नहीं मिलेगी तो सर। समझ में आई चीज, फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल, फॉन्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है रेगुलर की जगह, अच्छा इस फॉन्ट में है ही नहीं ऑप्शन, हेलवेटिका ले लेते हैं, ये बोल्ड हो गया इतना, ठीक है। सर इसमें ड्रॉप कैप का ऑप्शन भी आता है। हाँ ड्रॉप कैप का भी ऑप्शन आता है, ड्रॉप कैप का ऑप्शन के लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट करना इसको जितने भी ड्रॉप कैप चाहिए, जैसे मुझे इस पे चाहिए तो आप इसे सिलेक्ट करना, टाइप में जाना और टाइप में पैराग्राफ स्टाइल का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करना, इस पे डबल क्लिक करना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉप कैप, कहीं दिख रहा है ये रहा, टाइप ठीक है, मैंने सारे वो कर दिया, सब अप्लाई सब अप्लाई हो गई है, ठीक है। या फिर ये चीज़ ना आपको यहाँ भी मिलेगी, आपको यही सेम चीज़ यहाँ मिलेगी, यहाँ कहाँ आ रही है, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे कहीं ड्रॉप कैप लिखा रहा है, सब पे क्यों है, एक बार देखें, इसे सिलेक्ट किया मैंने, चेंज केस, इंसर्ट केस, पेजेस, एलवीडी का कैरेक्टर स्टाइल, और टाइप में जाके ड्रॉप कैप लिखा है, यानी है ना, तो वहीं से लगाना पड़ेगा। ये रहा, इस पे आप क्लिक करके पैराग्राफ में जाना है, इस पे क्लिक करके आप ऐसे बढ़ा देना इसको, ऐसे कितने कैरेक्टर चाहिए वो उतने से कम कर लेना, बस तो ये इसी पे आया होगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के अंदर ऑप्शन है। आगे समझ में, तो चैट करना आ गया, किस तरीके से हमें क्या करना है, लोगो लगाना है, किस तरीके से हमने यहाँ पे कंटेंट डाला और हमने यहाँ पे इमेज लगाई बीच में, इमेज लगाने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल डी। अगर तुम्हें क्या करना है, एक बॉक्स है, अलग अलग बॉक्स है, अलग बॉक्स में एक ही इमेज लगानी है, तो उसके लिए करेंगे हम, मैंने क्या करा है, एक बॉक्स लिया, इसी की ऑल्ट दबा के कॉपी कर ली, फिर मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया, पहले कंट्रोल एट करना है जैसे इलस्ट्रेटर में करते थे, अब कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल डी और प्लेस कर दिया, इमेज को बीच में यू ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, इमेज डिस्टॉर्ट हो रही है, मतलब छोटी इमेज है, कोई और दे देते हैं, ठीक है, आ गई इमेज। इमेज रिप्लेस करने के लिए ना, इमेज ना लिंक होती है इसके अंदर, तो यहाँ पे लिंक लिखा आ रहा होगा, कंट्रोल शिफ्ट डी शॉर्टकट है लिंक करने का, तो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ क्लिक करना, यहाँ पे इमेज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वो इमेज रिप्लेस हो जाएगी फिर,
साइज कम करना है तो आप इस पे बीच में क्लिक करके यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक है। आगे समझ में, ये पूरा बन गया हमारा, ये पेज हमारे उस तरह पूरे रेडी हो गए, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा इसके अंदर, मास्टर पेज लगाना, इसके अंदर सीखा इमेज कैसे प्लेस करते हैं, और तीन इमेज है, अगर तीन शेप है तो उसके अंदर एक इमेज डालनी है तो कैसे डालेंगे, तीन चार जो भी है। डब्ल्यू शॉर्टकट है प्रिंट व्यू का, डब्ल्यू दबाओगे तो प्रिंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। हाँ बस तीनों को सिलेक्ट किया, पहले कंट्रोल एट किया, फिर कंट्रोल डी डी कर दिया, बस छोड़ दिया। हेलो हेलो, हाँ जी, कुछ नहीं अभी तो बस मैं क्लास ले रहा था। क्या अभी नहीं हुआ, अभी करूंगा लेके नहीं आया, एक मिनट देखने जाता हूँ। सब्जी नीचे थी, देखिए क्या लिखा है, मंगाता हूँ कुछ क्या क्या। हाँ आया था वो, कोई कंसल्टेंसी है तो वो कह रही मैं ना तुम्हारा रिज्यूम आगे भेज देती हूँ, तो रिवर्ट आएगा तो बात कर लेना। हाँ वो तो ये कैसे कह रही थी कि ना तो मैं आपका रिज्यूम आगे शेयर कर रही हूँ तो इतनी से, हाँ जो भी है, तो कह रहे मैं इतना शेयर कर रहा हूँ तो अगर कॉल आएगी आपसे तो बात कर लेना। हाँ तो ये चीज़ है, इतना ही करना है साथ में, ठीक है, इतना यूज करके देखना है। क्या चीज़,